आप इससे बर वक्त आपको आगाही मिल सके। मैं डिसिस की मिनट का फाइनेंस डिपार्टमेंट हो यूनियन का, तो जितने जो चीज़ें हैं वो सारी हम डिस्कस करते हैं और फिर ये सारी चीज़ों के बारे में बात यदि वो हो या वजीर तालीम हो, इन सारी चीज़ों से हम आगाही हासिल करते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, उनके बाद जो है हम दूसरे साथियों के साथ सिस्टर के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। ये जो डीसीएस टीचर्स जिन्होंने जो पहला शिफ्ट था जो टीचर्स लेंगे थे परमानेंट टीचर्स जो वो सेकंड शिफ्ट में अपना ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, तो वो उन्होंने गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी। ठीक है, और इसके बाद जो है वो और टीचर्स इंटरव्यू के बेस पे हैं। ठीक है, ये सारे जो है वो एक मेरिट के बेस पे आई। ठीक है, और इन सारे में वो लोग शामिल हैं जो अपनी यूनिवर्सिटी और यूनियन काउंसिल और तहसील के टॉपर्स हैं। ठीक है, यानी सारे टॉपर्स इसमें शामिल हैं जो जॉब लिस्ट थी इस डीएसएस में। अभी आगे क्या होगा इसके बारे में हम तकरीबन मंथ वाइज जो है हम मीटिंग करते हैं। ठीक है, और इकट्ठे हो जाते हैं जिसमें हर ज़िले से मुख्तलिफ किस्म के ज़िलों से सदूर हमारे साथ शामिल होती है, इस मीटिंग में शामिल होते हैं। इस तरह हमारे जितने जो लोग हैं साथी हैं वो कैबिनेट के हिस्से हैं, उनसे वो जो है आके हमारे मीटिंग में शामिल होते हैं। ठीक है, अब इस मीटिंग में हमने अभी तक किस क्या डिस्कस किया, क्या इसका मुस्तकबिल क्या है, और क्या अगर कोई शख्स पीएसटी में उन्होंने पीएसटी में इसका काम हुआ हो या सीटी में, तो क्या उनको एसएस पोस्ट छोड़ना चाहिए या एसएसटी आने, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो भाई इस पे हम रोजाना की बुनियाद पर बात करते हैं। शिराज तरक्की भाई साहब के साथ बात की थी कि शिराज सबसे पहले मैं शिराज तरक्की साहब के बारे की तरफ हमें आता हूँ उनके साथ बैठे कि उन्होंने कहा कि अगर ये सिस्टम कामयाब हुआ ठीक है तो हम आपको पहली दफा के लिए ठीक है, अगर ये सिस्टम नाकाम हुआ तो क्या करेंगे, ये फिर हम छोड़ेंगे। और ये बात उन्होंने की कि ये किस बुनियाद पे हमने सेकंड शिफ्ट स्टार्ट किया, तो वो बात भी मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि अब ज़्यादातर स्कूल जो है ओवरक्राउड है। ठीक है, ओवरक्राउडेड है मतलब कि किस क्लास में 90 स्टूडेंट है इसमें 120 है। ठीक है, और एक एक स्कूल में एफ तक शिक्षक, तो चाहिए ये कि जितने जो परस करें हाई स्कूल है तो मेडल वाले स्कूल भी हैं, जितने जो नज़दीक मेडल्स है जिसमें क्राउड ज़्यादा हो उसको मेडल से हाई तक ले जाना, अपग्रेड करना है। अगर सेकेंडरी में ओवर क्राउड हो तो फिर जो है हाई स्कूल व सेकेंडरी करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चाहिए, लेकिन अब ना गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है कि हर स्कूल के लिए अलग ज़मीन ले, क्योंकि ज़मीन का अपना ही काफ़ी रेट है आजकल। ठीक है, और अगर ज़मीन भी ले तो इसके लिए बिल्डिंग की ज़रूरत है, जो करोड़ों रुपये इस पे खर्च आता है। ठीक है, एक एक बिल्डिंग पे करोड़ों रुपये आते हैं तो एयरपो बनते हैं। लिहाजा ऐसा करते तो हमने ऐसा किया कि जो स्कूल फीस के लिए हमने सेकंड शिफ्ट का प्लानिंग किया है। अब सेकंड शिफ्ट में क्या है, वो जो लोग ज़्यादा दूर जाते हैं उनके लिए मसला ख़त्म हो जाएगा, और अगर कोई बंदा जो है गरीब है और बच्चों पर तालीम नहीं कर सकते तो उनके लिए ये बेहतरीन मौका है कि वो जो है मजदूरी करें, और मजदूरी करने के बाद जो है वो आके अपना तालीम जारी रखें। ठीक है, ये बेहतरीन मौका है। अभी ये काम ज़रूर इसका अंदाज़ा इसकी कामयाबी से लगाए जा सकते हैं कि हर स्कूल में कम अज़ कम 50 से 60 बंदे पहले साल से जो है वो काम के लिए दिया। ठीक है, और इसकी कामयाबी का राज ये है कि स्टूडेंट्स जो है वो
ज्यादा तादाद में वो आते हैं और ज्यादा तादाद में लोग इसके तरफ जो है तवज्जो देते हैं। ठीक है, और शहरान तरक्की साहब ने इसका की तारीफ भी की थी कि इसका 5% जो एक साल में ग्रोथ किया था एजुकेशन ने। ठीक है, तो ये इस की वजह से। दूसरी बात कि आप बिल्कुल लगन से काम करें, सही लोगों के साथ स्टूडेंट को सही सिखाए, सही समझाए। ठीक है, ये बच्चे जाके इस सिस्टम को कामयाब करेंगे। ठीक है, और इस बच्चों को सही तालीम और तरबियत दे ताकि ये का माशरे के लिए मिसाल बन जाए, और माशरे से भी हमारा ये एक्सपेक्टेशन है, तवक्कु है कि वो अपने बच्चों को इसमें उसमें शामिल करे, इसमें दाखिला दे। ठीक है, और बच्चों को जो है दाखिला कराने के बाद उसका सही इंतजाम करे कि उनके कपड़े और उनका ये जो कापियां है और कलम वगैरह इसका भी सही इंतजाम करे। ठीक है, दूसरी बात ये अब मैं आता हूँ कि नाकामी की तरफ कौन लोग लेके जा रहे हैं कि जनाब वाला हमें बहुत ज्यादा शिकायत मौसूल हुई कि बाज लोग जो है उसको खत्म करने की ख्वाहिश रखते हैं। तो मैं उनको ये पैगाम देता हूँ कि बरए मेहरबानी इसको कामयाब कराने में हमारी मदद करें। ठीक है, और इसको खत्म करने में मदद ना करें, क्योंकि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी नहीं है कि फॉर्मल टीचर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे लगाए, बल्कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि कॉन्ट्रैक्ट को परमानेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है आवाम को जो है सहूलत देना, न कि सहूलत चैन के बीच ही नहीं देना। तो ये अपने जहन से निकाले कि हम जो है हमारे कल हमारे लिए मसला करेगा तो कोई मसला नहीं करेगा, आप हमारे साथ मदद करें, इस काम को नाकाम मत बनाए। ठीक है, और टीचर्स को भी मैं कहता हूँ इस तरह हमारे अलावा इदारों से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी अभी तक हमें बुक्स नहीं मिली तो इस बुक्स का मसला जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमने सिर्फ जो स्कूल से या बच्चे थी, ठीक है, सिक्स वालों के लिए सिक्स से वाले बच्चों से जो है किताबें दी है। ठीक है, उन पर मिन्नत की है, समाजत की है, स्कूल से उनके लिए पुराने बुक्स लेके आए हैं और उनको हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम लगन से लगे रहे। ठीक है, ताकि हम इस चीज़ को कामयाब कराएं। हमारे टीचर्स हजरात को भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, जैसा कि उन बेचारों को एक तो जिस तरह गवर्नमेंट ने एक सैलरी स्पेसिफाई किया है कि एक मजदूर की तनख्वाह कम उजरत कम अज़ कम 26,000 होनी चाहिए। ठीक है, और ये गवर्नमेंट के कागजात में ऐलान है, लेकिन अब टीचर्स को 22,000 रुपये मिलते हैं तो ये मजदूर से भी कम पैसे उनको मिलते हैं। दूसरी तरफ इससे कटौती करते हैं, जैसा कि अगर कोई छुट्टी मिल जाए तो इससे छुट्टी की कटौती करते हैं। तो भाई मेहरबान, ये भी इंसान है, उनके बच्चे मजबूर हो के आए हैं, और इस तरह नहीं कि बेतालीम में ज़्यादातर पी डी है। ठीक है, और टॉपर्स हैं, ठीक है, पी डी और एम एस वाले हैं। ठीक है, तो आप उनको इग्नोर ना करें, ये भी बेचारे पाकिस्तानी है। और दूसरी, इन बेचारों को 4 महीने बाद जो है सैलरी मिलती है, 4 महीने बाद, तो ये मसला भी हल करें। तीसरा बड़ा जो मसला है, 4 महीने बाद जो हमें पैसे मिलते हैं, इससे कटौती करने के बाद जो है पीटीसी फंड को आते हैं, और हम हेड मास्टर साहिबान को मिन्नत करते हैं, ठीक है, कि आप जाए, एक का दुख का एक हेड मास्टर होगा कि इस चीज को डायरेक्ट अपनी तरह इंसानों को डील करेगा। ठीक है, और उनको के लिए पैसे जाएगी बैंक से लाएगी। हालांकि ज़्यादा हेड मास्टर हजरात जो है, हमने ज़्यादा शिकायत सुनी कि वो हजरात क्या करते हैं, उनको जो टीचर हजरात हैं उनको मिलकर समाजत करते हैं कि जाके हमारी सैलरी दे, और वो जाके बैंक तक नहीं जाते क्योंकि वो पहले 1,90,000 रुपये गिनते हैं। वो क्या करते हैं हमारे 10-20,000 रुपये भी क्या करते हैं? मसला तो हमारा है ना, DSS वालों का मसला है ना। तो बराए मेहरबानी हमारे साथ कम अज कम ये जुलम न करे, और ये पी डी सी फंड को जाते हैं मास्टर से
इसको करने के बाद साइन करने के बाद ये जो चेयरमैन होता है गांव का, हम इसकी समाजत करने के लिए जाते हैं और फिर वो नहीं मिलती। कभी एक दफा दूसरी दफा उनकी समाजत करते कि आप हमारे लिए दस्तक कर हमें पैसे नहीं मिलती, तो गवर्नमेंट से आजीजाना तौर पर ये दरख्वास्त है, ठीक है, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डीसीस मैं दरख्वास्त करता हूँ और हमारे मसले जो है वो हल करे, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। और तीसरी बात ये बीटीसी पर ये सारे मसले, हमें बहुत मसले है, ठीक है, तो इसके हल करने के लिए हमारे साथ मदद करें। और तीसरी ये जो टीचर से उनकी तरह जो परमानेंट टीचर है या जो मारने वाले हैं उनके तरह उनको डील करें, क्योंकि ये भी बच्चों के बच्चों को ये भी पढ़ाते हैं वो भी पढ़ाते हैं, तो दोनों में जो कौमी नजरे ये उलाते हैं, ठीक है, जो कौमी नजरे पे अमल न करो बरए मेहरबानी, दोनों पाकिस्तानी है, दोनों अल्लाह के मखलूक है, ठीक है, दोनों बच्चे रखते हैं, दोनों वालिदैन रखते हैं, दोनों जरूरियात रखते हैं, तो इनको अगर ये मसला हो, अगर किसी को मसला हो, ठीक है, तो बरए मेहरबानी ये अपना मसला समझे, ठीक है, और अल्लाह हुकाम से हमारा दरख्वास्त है कि हमारे मसाइल जो है गौर से सुने और